वेलकम भाई, आज हम लोग सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। सर्वेइंग, सबसे पहले जानते हैं कि सर्वे होता क्या है। सर्वे के बारे में आप लोगों को सिविल में, सिविल दो ही चीज़ों से जाना जाता है, पहला सर्वे और दूसरा स्ट्रक्चर, बैकबोन होता है ये दो सब्जेक्ट्स। तो सर्वे के बारे में आज हम लोग जानेंगे, सर्वे होता क्या, उसमें कौन कौन इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली आज हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में ब्रीफ नॉलेज देंगे कि कौन कौन इंस्ट्रूमेंट आपको पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है। तो सर्वेइंग क्या है? इट इज़ एन आर्ट। सर्वे क्या है? एक आर्ट है, कला है। टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने का? इट इज़ एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट्स का रिलेटिव पोजीशन, चाहे ग्राउंड के ऊपर हो चाहे ग्राउंड के नीचे हो। सर्वेइंग क्या है? एक कला है डिटरमाइन करने का। क्या डिटरमाइन करने का? तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने का एक आर्ट है, ठीक है। चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो चाहे वो ज़मीन के नीचे हो। बाई मेजरिंग इट्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। किसी भी चीज़ का पोजिशन हमें फाइंड करना होगा तो कैसे मेजर करेंगे? उसका दूरी नापेंगे, किस डायरेक्शन में वो नापेंगे और कितना एलिवेशन पर है वो नापेंगे। तो ये तीनों को मेजर करके हम किसी भी वस्तु का, किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करते हैं, उसका रिलेटिव पोजिशन फाइंड करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है। तो सर्वे क्या है? इट इज़ एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अबव और बीनीथ द सर्फेस बाई मेजरिंग इट्स डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन। तो डिस्टेंस नापने के लिए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है उसको नापा जाता है लीनियर वे में। डायरेक्शन नापते हैं, मतलब कि एंगल मेजर करेंगे। और एलिवेशन नापेंगे, मतलब कितना ऊंचाई या कितना गहराई पर है। तो ये चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस नापने के लिए आपके पास सर्वेइंग में दो इंस्ट्रूमेंट है। पहला आता है चेन, जो कि आपके पास में ये चार तरह के रखे हुए होते हैं, टोटल पांच तरह के चेन, चार अवेलेबल है हमारे पास। एक डैमेज है तो उसको हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। और दूसरा होता है टेप। तो तीन तरह के टेप हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। चेन के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज पहले भी दे चुके हैं। चेन और टेप से क्या मेजर करते हैं? लीनियर डिस्टेंस। क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस नापते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपास है, दो कंपास है यहाँ पर। कंपास से क्या मेजर करेंगे? डायरेक्शन। कंपास, डम्पी लेवल, कंपास, डम्पी लेवल, थियोडोलाइट, ये तीनों से हम लोग डायरेक्शन मेजर करेंगे। टोटल स्टेशन भी है और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी है, इससे भी डायरेक्शन मेजर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन मेनली जो डायरेक्शन मेजर करने का अलग अलग, जैसे यहाँ से डिस्टेंस करते हैं, टोटल स्टेशन ऐसा है जिसमें सारा कुछ मेजर होगा, इसे सारा कुछ मेजर करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे सबको मेजर करना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे चेन के बारे में। चेन क्या होता है? तो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग लीनियर डिस्टेंस मेजर करते हैं। कितने तरह के होते हैं चेन? मेनली दो तरह के। कौन कौन? एक मैट्रिक और दूसरा नॉन मैट्रिक। मैट्रिक चेन का मतलब ये हुआ उसको मीटर में नापा जाए, और नॉन मैट्रिक का मतलब हुआ जिसको मीटर में नहीं नापा जाए। तो मैट्रिक का मतलब जिसको मीटर में नापा जाए, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है 20 मीटर का, दूसरा होता है 30 मीटर का। और कैसे पता चलेगा कौन 20 मीटर का है कौन 30 मीटर का है? तो इसके हैंडल पर लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 30 मीटर लिखा हुआ है। ये तो हम पहचान गए कि जो है हमारा मैट्रिक है 20 मीटर 30 मीटर का, और ये फिट में है। तो एक होता है इसमें 100 फिट का, जो कहलाता है इंजीनियर चेन। दूसरा है गंटर चेन, जिसका लंबाई होता है 66 फीट। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 66 फीट, तो इसका मतलब कौन सा है? ये गंटर चेन है। उसके बाद हमारे पास में आता है एक रेवेन्यू चेन, जिसकी लंबाई होती है 33 फीट, तो इसके हैंडल पर लिखा हुआ है ये 33 फीट, ठीक है। तो यहाँ से हम चेन को पहचान लें कि कौन सा हमारा चेन है। अब किस चेन का हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे, इसका भी आपको पढ़ना है। इंजीनियर वर्क्स है, अगर जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स है आपका, जैसे कनाल है, रेलवे है, रोडवे, अगर इस सब का अगर मेजरिंग करना है तो आपको इंजीनियर चेन का यूज करेंगे। अगर आपका बाउंड्री लाइन का मेजरमेंट करना है आपको, उसमें ये रेवेन्यू चेन का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट इसका वर्क है, उसके लिए आपको डिटेल्स में आपको अलग से बताया जाएगा। अब चेन जो आपके जान गए चेन है क्या, तो चेन के बारे में अब आपको डिटेल्स ये जानना होगा कि चेन की टोटल लंबाई जो इसमें लिखा हुआ है 66 फीट, वो कहाँ से कहाँ तक का जो दूरी होता है, कहाँ से कहाँ तक दूरी होता है? ब्रास हैंडल में कहाँ से कहाँ तक? इनर टू इनर कि आउटर टू आउटर? कहाँ से कहाँ? ये चेन की पूरी लंबाई जो होगी, ये चेन की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगा? ये ब्रास हैंडल के इनर डिस्टेंस से इनर डिस्टेंस तक का होगा कि हैंडल के आउटर से आउटर डिस्टेंस तक का होगा? टोटल लंबाई जो होगा चेन का आउटर से आउटर डिस्टेंस का होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें बारीकी चीज़ें जो हैं,
ये तो आपको नॉर्मल आइडिया रहेगा ही क्या है। ये जो आपका लिंक बना है, एक जो ये से मुड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। सारा लिंक आपस में जुड़ा हुआ है, हिंदी में कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो लिंक बना हुआ है, आप देखेंगे कि पहला लिंक और आखिरी लिंक ये दोनों ही छोटे होते हैं बाकी लिंक के रिस्पेक्ट में। छोटे हैं कि नहीं है ये सभी चेन में? देखिए देखिए कितना लंबा इसका छोटा है छोटा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि खाली गंटर चेन उठाएं तो इसी में होगा, सभी चेन में पहला लिंक और आखिरी लिंक क्या होगा, बाकी के रिस्पेक्ट में छोटा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसका जो लेंथ होता है ब्रास हैंडल के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए पहला और आखिरी लिंक हमारा क्या होगा, बाकी के रिस्पेक्ट में छोटा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? उसके बाद इसमें जो ये सर्कल देख रहे हैं, जो ये रिंग लगा हुआ है, इसका डायमीटर कितना होता है? 13 mm। कितना होता है? 13 mm का। तो कितना, दो लिंक के बीच में पूछा जाता है, दो लिंक के बीच में कै गो सर्कुलर रिंग रहता है? तीन रहता है। एक का डायमीटर 13 है, दूसरे का 13, तीसरे का भी 13, 13 × 39। पूछा जाता है ये हैंडल का ये लेंथ कितना होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, ये 58। कितना होता है? 58 mm का आता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है आपका कि एक लिंक की लंबाई कितनी होगी। अगर आपका ये गंटर चेन है तो गंटर चेन में एक लिंक की लंबाई कितनी होगी, पूरा का पूरा लेंथ कितना है इसका, 66 फीट लिखा हुआ है यहाँ पर, 66 फीट, ठीक है। सबको दिख रहा है लिखा हुआ है यहाँ पर 66 फीट का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल लिंक इसमें क्या गो है, 100 लिंक है। टोटल लिंक क्या गो है, 100 गो। तो एक लिंक की लंबाई कितनी हो गई, 0.66। 66/100 करेंगे, 0.66 आ गया। तो एक लिंक की लंबाई होगी 0.66 फीट। यूनिट साथ में ज़रूर बताना है, ठीक है। उसके बाद तो ये 0.66 फीट कहाँ से कहाँ तक नापेंगे इसमें, कहाँ से कहाँ तक? पहला ऑप्शन, या ये इसके दोनों का एंड का नापेंगे, कि ये दोनों के रिंग से नापेंगे, कि रिंग के सेंटर से नापेंगे, कहाँ से कहाँ नापेंगे? रिंग के सेंटर से, जो कनेक्टिंग रिंग है पहला, इसके रिंग के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस नापेंगे, और ये आएगा कितना, 0.66 फीट, ठीक है। ये आ गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, गंटर चेन की बात कर रहे हैं। सेम होगा आपका 20 मीटर में, सेम होगा आपका 30 मीटर में। सेम का मतलब ये नहीं कि इसमें भी लिंक की लंबाई 0.66 फीट होगा, इसमें कितना होगा, 0.2 मीटर। इसमें भी 100 लिंक होते हैं, अगर 20 मीटर वाला तो 100 लिंक, अगर 30 मीटर वाला है तो 150 लिंक होते हैं। कितने लिंक होते हैं, 150 लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेट्रिक चेन के लिए। और 33 फीट वाला में क्या वो लिंक होगा, यहाँ से सबसे पहले क्या जाने हम लोग, कि इसमें इसकी दूरी को क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं, ठीक है। इसमें कड़ी की लंबाई डायमीटर कितना होता है, 13 mm का होता है। उसके बाद ये जो आपका आयरन का है वायर, इसका डायमीटर कितना होता है, 4 mm। कितना होता है, 4 mm का ये डायमीटर का आपका होता है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कुछ दूरी जाने के बाद इसमें आपको ये टैली नज़र आएगा, इसको क्या कहते हैं, टैली। इसमें कै गो दिख रहा है बार्स निकला हुआ, तीन गो निकला हुआ है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जब डिस्टेंस आपका आ गया तो मतलब 30 लिंक पर जाके ये आपका टैली दिखेगा। टोटल लिंक कितना होता है, 100। एक एक अगर काउंट करते जाएंगे तो मैं भी मिस्टेक हो जाए गिनने में, तो इसीलिए 10-10 लिंक पर आपको ये टैली दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला लिंक हो गया, यहाँ देखो कितना लिंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10वां लिंक जैसे आया, एक टैली दिखा, एक नुकीला वाला पार्ट दिख रहा है ये, तो मतलब क्या हो गया, हमको अब 10 गिनने की ज़रूरत नहीं है। एक दिख रहा है मतलब क्या, 10वां लिंक यहाँ पर है, 10 लिंक क्रॉस करने के बाद आया। ऐसे ही दूसरा हैंडल जो उठाए थे, यहाँ से भी अगर स्टार्ट करेंगे तो 10वां लिंक जाने के बाद हमारा एक टैली वहाँ पर दिखेगा, एक नुकीला वाला दिखेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है, टोटल कितना लिंक है इसमें, 100 लिंक है। शुरू से 10 चले एक लिंक मिला, लास्ट से 10 चले एक लिंक मिला, और जब सेंटर पर पहुँचते हैं, इधर से भी पहुँचेंगे सेंटर आएगा ना, 50वां लिंक, इधर से आएंगे तो सेंटर पहुँचेगा 50वां लिंक। तो उस पर सेंटर पर जैसे आते हैं, आपको वहाँ सर्कुलर रिंग दिखता है, देखिए ये है सर्कुलर,
ठीक है, इस पर एकदम आधा वाला पार्ट लिखा हो, जैसे अगर 66 फीट का है ठीक है तो 33 फीट लिखा हो, देखिए यहाँ 33 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, 50 लिंक यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। आपको क्या ये क्यों दिया हुआ है, काउंट करने के लिए दिया हुआ है कि कितना लिंक आपने उसको मेजर कर रखा है, क्लियर है। तो हमें ये बताइए टोटल टैली, टोटल नंबर ऑफ टैली कै गो होगा इस चेन में, चलिए बताइए कितना होगा टोटल टैली, टोटल इस चेन में, हाँ इस चेन में टोटल 10, तुम बताओ हैं, तुम बताओ, तुम बताओ, टोटल टैली तुम बताओ, हैं, नौ, नाइन इज द करेक्ट आंसर। टोटल टैली कितना होगा, नाइन होगा, टोटल टैली नाइन कैसे होगा, हैंडल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही ना होगा, उधर से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो सेम है ना, पांचवा दो बार तो आएगा नहीं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टैली जिस चेन में 100 लिंक है वहाँ पर क्या होगा, नौ ही टैली होते हैं, और ये सभी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये हो गया आपके चेन के बारे में पूरा डिस्कशन, अगर इसमें किसी को भी कोई कुछ पूछना है तो हमें बता सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तब बता सकते हैं। चेन टोटल कितना बताएं, दो तरह का मेनली, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक। मैट्रिक में दो तरह का, 20 मीटर और 30 मीटर, कैसे पहचानेंगे, तो हैंडल पे लिखा रहता है, हम पहचान लेंगे इसे 20 मीटर लिखा है, यहाँ पर ये 30 मीटर लिखा हुआ है। और नॉन मैट्रिक वाला में यानी कि फिट में मेजर करते हैं, तीन तरह का, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन। इंजीनियर चेन 100 फीट का, गंटर चेन 66 फीट का, और रेवेन्यू चेन 33 फीट का, कैसे पहचानेंगे, तो हैंडल पर लिखा रहता है। हमारे पास इधर गंटर चेन है और ये है रेवेन्यू चेन, जिसकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, और 100 फीट वाला भी नहीं है और डैमेज है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ उसको। ये हो गया आपके चेन के बारे में डिस्कस। अब चेन के बाद आता है टेप, टेप से हम लोग मेजर करते हैं। तो टेप कितने तरह का जानते हैं आप, मार्केट में कितने तरह का टेप देखे हैं, कितने तरह का मार्केट में टेप देखे हैं, टोटल चार तरह के टेप होते हैं। इंजीनियरिंग में आप पढ़िएगा टोटल चार तरह के टेप होंगे, ठीक है। चलिए ये है हमारे पास में मेटेलिक टेप, ये है कौन सा, मेटेलिक टेप। एक होता है आपका क्लॉथ या लाइनन टेप। क्लॉथ टेप का मतलब कपड़ा सिलाने दर्जी के पास गए हैं, वो जिस फीता से मेजर करता है वो उसका क्लॉथ टेप होता है, सबसे कम ड्यूरेबिलिटी उसकी होती है, ठीक है, क्लॉथ या लाइनन टेप। दूसरा आता है मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप मतलब कि ये चीज़, मतलब जो मेटल का बना होता है, ठीक है, मेटल का मतलब आ गया, नहीं देखिए ये कारपेंटर वाला टेप है, कारपेंटर यूज करता है इसको। मेटल टेप मतलब वो टेप होगा, स्टील टेप आता है इसको, ये स्टील का बना होता है। स्टील टेप मतलब कि स्टील रिबन होते हैं इसमें, इसको जब बाहर निकालते हैं तो देखते हैं पूरा स्टील का रहता है। तो एक आ गया क्लॉथ या लाइनन टेप, दूसरा आता है स्टील टेप, जो कि इस आपका स्टील टेप में 5 मीटर का लेंथ का है तो ऐसे में आपको दिखेगा, ज़्यादा लेंथ का होगा तो ये भी आपका ये सर्कुलर फॉर्म में आता है। उसके बाद आता है आपका मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप मतलब कि कुछ ऐसा, मेटेलिक टेप का मतलब ये होता है कि ये जो फीता होता है ये, और इसमें आपका वायर लगे रहते हैं, ठीक है, वायर लगा रहता है कॉपर का, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। और लास्ट होता है इनवार्ड टेप। इनवार्ड टेप बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी वाला टेप होता है और इसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनवार्ड टेप बना होता है निकेल और स्टील से मिलकर बना होता है। स्टील 64% होता है, निकेल इसमें 36% होता है, और इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसलाइन मेजरमेंट के लिए, ट्रेंगुलेशन वर्क के लिए, ये सब चीज़ें आप आगे जा करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ों में इसका यूटिलाइज करते हैं। ये आपका आता है इनवार टेप के लिए, इनवार टेप, INVAR, इनवार टेप होता है ये, 20 मीटर लेंथ का है। लेंथ के अकॉर्डिंग मार्केट में सभी टेप अवेलेबल होते हैं, तो अभी उसमें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे। ये कॉपर का इसमें रहता है, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। अगर ये कपड़ा का बनाएंगे, कपड़ा का बनेगा तो क्या कहलाएगा, क्लॉथ या लाइनन टेप, ठीक है। प्लास्टिक का बना दिए, ड्यूरेबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है। अगर इसके बीच में हम तार लगा दें तो ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाएगी, टूटेगा नहीं जल्दी, तो ये आ जाता है मेटेलिक टेप, ठीक है। और स्टील रिबन पे जो बनता है, जैसे कि ये आता है स्टील रिबन पे बनता है, तो क्या कहलाएगा, स्टील टेप कहलाएगा, स्टील टेप कहलाएगा, ठीक है। मेटेलिक स्टील, मेटेलिक का मतलब आ गया कि जिसमें आपका वायर लगा होता है इसमें। और क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया चेन और टेप के बारे में आपका फुल डिस्कशन, कि आपका टेप
चार तरह का होता है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है किसकी? इन्वाल टेप का। उससे कम ड्यूरेबल कौन होगा? मेटेलिक होगा। उससे कम ड्यूरेबल कौन होगा? स्टील टेप होगा। और सबसे कम ड्यूरेबल कौन होगा? क्लॉथ है, लाइनन टेप, जो दर्जी के पास होता है। कोई दिक्कत है इसमें इतना तक में, चेन और टेप में? चलिए, चेन और टेप के बाद आते हैं हम लोग कंपास के बारे में। ठीक है, तो कंपास है आपके पास में ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? डायरेक्शन। कंपास से क्या मेजर करेंगे? डायरेक्शन। चलिए नज़दीक आ जाइए, दिखाइए, यहाँ से डायरेक्शन मेजर करने वाला है, कंपास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपास के बारे में, आपको यहाँ से डायरेक्शन मेजर करेंगे और इसमें आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में चेक करना पड़ता है। एक मैग्नेट, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जब हम लैब में ले चलेंगे तो आपको हम डिटेल्स में इसका बताएंगे कि किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। अभी बस इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि कंपास से मेजर करते हैं क्या? डायरेक्शन। और डायरेक्शन मेजर करते समय ध्यान देंगे कि जब हम यूज कर रहे हैं तो आसपास कोई भी मैग्नेट वाला सामान नहीं हो, मतलब कोई लोहे का सामान नहीं हो, क्योंकि इसमें जो कंपास में जो आप निडिल देख रहे हैं ये मैग्नेटिक निडिल होता है। क्या होता है ये? मैग्नेटिक निडिल होता है, जो भी आप इसमें ये निडिल देख रहे हैं ये चुंबक का बना हुआ था, और इसके पास कोई भी लोहे का सामान जाएगा तो ये विचलित होगा ही होगा, उसे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, अभी ये शो करेगा नॉर्थ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन इधर ये शो कर रहा है, दोनों ही कंपास में नॉर्थ इधर शो कर रहा है। अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, हाथ में घड़ी है इसलिए बार बार ये इधर मूव कर रहा है और इसको हिलाए भी थे। तो कंपास ऐसा है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन मेजर करेंगे? किसका? रिक्वायर्ड स्टेशन का, जो भी हम स्टेशन बना रहे हैं उसके लिए हम उसको डायरेक्शन मेजर करेंगे। लैब कराएंगे इसका तो उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं और जो कि ये धागा देख रहे हैं इसमें लगा होता है, इसको कहा जाता है हॉर्स हेयर। क्या कहते हैं? हॉर्स हेयर। इसमें ये धागा देख रहे हैं ना, इससे हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। इसमें एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, ये यहाँ पर प्रिज्म होता है। ठीक है, ये प्रिज्म है इसलिए इसका नाम होता है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास। और ये नाम होता है इसका सर्वेयर कंपास। तो दो अलग अलग कंपास है, एक का नाम प्रिज्मेटिक और दूसरा है सर्वेयर। और इसमें एक स्टैंड है, स्टैंड में लगा के हम इसको यूज करते हैं। और ये जो होता है आपका ऑब्जेक्ट साइट होता है, ये ऑब्जेक्ट वेन है और ये है आई वेन। ठीक है, ये आई वेन होता है जिसमें से हम लोग को रीडिंग देखना होता है नीचे, और यहाँ से डिस्टेंस को, सॉरी डायरेक्शन को मेजर करते हैं कि कितना एंगल एक दूसरे से दूरी पर ये है, एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है। इन दोनों में सेम काम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक में प्रिज्म लगा होता है, दूसरे में प्रिज्म नहीं लगा होता है, इसलिए इसका नाम होता है प्रिज्मेटिक कंपास और इसका नाम होता है सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चेन और टेप है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कंपास है। कंपास के बाद आता है फिर हमारे पास में ये डंपी लेवल, ऑटो लेवल, जो भी कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं, डंपी लेवल या ऑटो लेवल। इसका काम होता है मेनली हम लोग लेवलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और देख लो, लेवलिंग में यूज करते हैं डंपी लेवल का। इसमें यहाँ पर एंगल भी बने हुए देख रहे हैं ना, सामने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, डायरेक्शन भी मेजर होगा, और तो और इसमें रिलेटिव हाइट भी हमें मेजर होगा। मेनली इसका काम होता है लेवलिंग में। लेवलिंग मतलब क्या कि जो रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं या अप डाउन है तो कितना ज़्यादा डाउन है कितना ज़्यादा अप है यही मेजर करके हमें बताएगा। इसका नाम होता है क्या? डंपी लेवल, ऑटो लेवल। डंपी लेवल, ऑटो लेवल, डंपी लेवल का थोड़ा पहले अलग बना उठाता था, इसको हम लोग ऑटो लेवल कहते हैं। ऑटो लेवल इसलिए कि ये ऑटोमेटिक लेवल हो जाता है। इसमें एक बबल होता है, यहाँ बीच में एक बबल है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है कि इसमें बबल है। इसको जब यूज करेंगे तो यूज करने से पहले इसको हमें सेट करना पड़ता है। इसके लिए ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पर इसके लिए ट्राइपॉड स्टैंड है। ये ट्राइपॉड स्टैंड पर इसको हम लोग स्टेबल करेंगे और इसको हम लोग सेट करेंगे। सेट करना सबसे पहले सीखना पड़ता है। इसमें 3 फुट स्क्रू दिया हुआ है ना, फुट स्क्रू। यस सर, ये इसको क्या कहते हैं? इसको फुट स्क्रू कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइवेट है, नीचे वाला प्लेट होता है ट्राइवेट और ऊपर का प्लेट को ट्राई बैच कहते हैं। ठीक है, ट्राइवेट और ट्राइबैच है, और इसके बीच में आता है क्या, ये फुट स्क्रू होता है। इस फुट स्क्रू के सहायता से इसमें बबल लगा होता है, उसको हम लोग सेंटर करेंगे। सेंटर करेंगे इसलिए ताकि ये हमारा जो हम देखें जहाँ से इसको, तो हमारा लाइन एकदम क्या हो? सीधा हो। ठीक है, ताकि हम सीधा लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम ज़मीन को मेजर कर पाएंगे। जब आप फील्ड में जाएंगे तब इसको ये सेंटर करना आप सीखेंगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये होता है आपका ऑब्जेक्ट वेन, ये होता है आपका आई वेन।
ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं और ये आपका होता है फॉक्सिंग, ये आ गया फॉक्सिंग स्क्रू, इसमें ये जो स्क्रू होता है ये फॉक्सिंग स्क्रू, ये आ गया आपका टेंजेंट स्क्रू, इस स्क्रू से हम साइड में घुमाते हुए रहेंगे इसको जितना रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो ये इसके बारे में डिटेल्स आप देखेंगे जब आप लैब करने जाएंगे तब। अब ये जानिए कि आपका ये जो ऑटो लेवल है किस में यूज आता है, लेवलिंग करने के लिए, डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं लेकिन मेनली यूज आता है किस में, लेवलिंग के लिए। ये गन पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग को एक आइडिया लगता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सामने कहाँ पर है, और ये विदाउट लेवलिंग स्टाफ इसका कोई वही यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका लेवलिंग स्टाफ का यूज भी करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, लेवलिंग स्टाफ, नाम क्या है इसका, लेवलिंग स्टाफ। इसमें मार्किंग बने हुए हैं, देख रहे हैं ना, इसमें मार्किंग बने हुए हैं, ये हर लाइन का अपना एक मतलब है, इसमें जो भी लाइन इसमें देख रहे हैं इसमें हर लाइन का अपना एक मीनिंग है। टोटल इसमें चार पार्ट इसमें दिख रहे हैं ना, एक दो तीन चार, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना है, एक मीटर का एक है, तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना होगा, चार मीटर का इसका बनेगा। तो जब भी डंपी लेवल करेंगे आपको क्या क्या चाहिए इसमें, तो एक डंपी ऑटो लेवल का सेट चाहिए और एक लेवलिंग स्टाफ चाहिए, और मिनिमम 2% रिक्वायर होंगे आपको इसके लिए लेवलिंग करने के लिए। एक स्टाफ को होल्ड करके रखेगा और दूसरा यहाँ से रीडिंग कैरी करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेवलिंग स्टाफ। अब उसके बाद आता है आपका ये आता है ऑफसेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं क्रॉस स्क्वायर। क्या कहते हैं, क्रॉस स्टाफ कहेंगे इसको, लेवलिंग स्टाफ और क्रॉस स्टाफ, ये दोनों में सिमिलरिटीज होती है तो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको कई लोग लेवलिंग स्टाफ बोल देता है, वाइबा वगैरह होता है तो कहता है, जो भी इंटरव्यूअर आता है वाइबा लेने के लिए वो कहता है कि जाओ लैब से लेवलिंग स्टाफ लेकर के आओ, तो क्रॉस स्टाफ को ले आएगा। इसका नाम होता है क्रॉस स्टाफ और इसका नाम होता है लेवलिंग स्टाफ, लेवल में यूज आ रहा है इसलिए लेवलिंग स्टाफ, इसका नाम है क्रॉस स्टाफ। तो क्रॉस के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें एक यहाँ पर होल दिख रहा होगा, यहाँ भी होल दिख रहा होगा, अगर हमको इस लाइन के पॉक्स में 90 डिग्री अगर हमको ऑफसेट लेना है तब इसका हम लोग यूज करते हैं। इसको क्या करेंगे, ऑफसेट रॉड पर इसको हम लोग टिका कर रखेंगे, रॉड जमीन में गड़ा रहेगा, ऑफसेट रॉड पर टिका कर रखेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ से एक आदमी देखेगा, यहाँ पर आपको धागा लगा होगा, धागा लगा है ना इसमें, यहाँ भी धागा लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हॉर्स हेयर। तो यहाँ जो भी आपका रेंजिंग रॉड रहेगा सामने, उसको बाइसेक्ट करेगा यहाँ से देख के। बाइसेक्ट करना मतलब कि यह धागा से, जो इसमें धागा लगा हुआ है, यह धागा से जब यहाँ से आँख बंद करके, एक आँख बंद करके देखेंगे, तो यह धागा से सामने वाला रॉड क्या होना चाहिए, ढक जाना चाहिए, ठीक है। तब मतलब कि आप एकदम सीधी लाइन में हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक देखेगा, यहाँ से एक देखेगा, तो ये दोनों के बीच में लाइन जो बनेगा वो एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनेगा। ये होता है क्या, क्रॉस स्टाफ, ठीक है। इसके बाद यही एक यूज आता है इधर ऑप्टिकल के लिए, इसका काम भी सेम ही है, ये हमारा ऑप्टिकल है, इसमें मिरर लगे होते हैं और ये 45 डिग्री पर एक दूसरे से वर्क में रहते हैं। इसका काम भी हमारा ऑफसेट में ही होता है, लेकिन हमारा एंगुलर ऑफसेट में यूज आता है, ठीक है। जब आप लैब करेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ेंगे उसमें। ये दोनों चीज़ आता है आप किसके लिए, ऑफसेट वर्क के लिए। तो कौन क्या क्या चीज़ें अभी बता दी आपको, लीनियर डिस्टेंस में चेन और टेप का, उसके बाद डायरेक्शन के लिए कंपास, और ऑफसेट के लिए क्रॉस स्टाफ, और ये आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, इसके बारे में देख लिए। यहाँ तक में किसी को कोई कुछ पूछना है तो बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आता है थियोडोलाइट, इसका नाम क्या है, थियोडोलाइट, क्या नाम है, थियोडोलाइट है, ये इसका कैप है। इस थियोडोलाइट में बहुत सारा फंक्शन है, मेनली अभी बेसिक में ये समझिए कि इसका यूज करते हैं हम लोग एंगल मेजरमेंट के लिए। एंगल मेजरमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब ये जो यहाँ बैठा है कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट बैठा है इसके बीच में हमारा, अगर यहाँ से इमेज लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम सेंटर में हैं, कितना एंगल पर ये एक दोनों दूसरे से बैठे हुए हैं, ये हमारा कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएगा ना, हॉरिजॉन्टल एंगल। और ज़मीन से इस बीम का कितना एंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ सेंटर में एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो कितना एंगल पर ये हमारा है, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल एंगल। ये दोनों ही मेजर करता है हमारा थियोडोलाइट। इसमें ढेर सारा नाम है, यहाँ भी ट्राइवेट है, ट्राइवेच है, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, वर्टिकल सर्कल असेंबली है। अगर यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं तो ये हमारा फेस लेफ्ट है, इधर कर देते हैं तो फेस राइट हो जाता है।
ये जो वर्टिकल सर्कल है अगर हमारे राइट साइड में है तो फेस लेफ्ट का आता है, अगर ये वर्टिकल सर्कल हमारे लेफ्ट साइड में है तो फेस राइट हो जाता है। तो फेस राइट करने का मतलब होता है कि आपको एक बार स्विंगिंग करना है और एक बार ट्रांजिट करना होता है। स्विंग करना मतलब समझते हैं, रस्सी कभी घुमाए हैं बचपन में धागा बांध के, इसे स्विंग करना कहलाता है। तो थोड़ी लाइट को अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो स्विंगिंग, ऐसे नहीं घुमा रहे हैं ऐसे स्विंगिंग, और थोड़ी लाइट में अगर टेलीस्कोप को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या कहता है, ट्रांजिटिंग, इसको ट्रांजिट कहा जाता है। तो थोड़ा लाइट दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिट और दूसरा नॉन ट्रांजिट। जिसमें टेलीस्कोप ऐसे घूम जाए उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिट थोड़ा लाइट, जिसमें टेलीस्कोप ऐसे घूम जाए उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिट थोड़ा लाइट, और जिसमें टेलीस्कोप नहीं घूमे उसको कहेंगे हम लोग नॉन ट्रांजिट थोड़ा लाइट। तो फेस लेफ्ट से फेस राइट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार स्विंग करना है और एक बार ट्रांजिट करना है। आ गया सर्कल इधर से इधर, तो ये फेस लेफ्ट और फेस राइट का केस बनता है। ट्राइवेट होता है, ट्राइवेच होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, वर्टिकल सर्कल असेंबली है, इसमें और भी सर आपका नाम है, टेंजेंट स्क्रू है, ऑप्टिकल प्लूमेट है, इसमें ये आपका आईसेट है, ठीक है, फॉक्सिंग स्क्रू है, ये इसमें भी आपका, इसमें दो दो आपका लेवलिंग होता है, लेवलिंग ट्यूब होता है, बबल होते हैं, इसको आपको सेट करना होता है जब आप फील्ड में जाते हैं। तो क्लियर है, तो ये आपका थोड़ा लाइट किस में यूज होगा, मेनली एंगल मेजरमेंट के लिए, कौन कौन एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डंपी लेवल किस में यूज होगा, लेवलिंग के लिए, डंपी लेवल किस में यूज होगा, लेवलिंग के लिए। ये किस में यूज होगा, एंगल मेजरमेंट के लिए होगा, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये कंपास किस में यूज होगा, डायरेक्शन मेजर करने के लिए होगा, हमेशा नॉर्थ से रीडिंग लेना शुरू करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा लाइट, डिजिटल थोड़ा लाइट इसको कहते हैं, ये भी हमारा सेम ही काम करेगा, ये भी इसमें सेम ही काम करेगा, लेकिन इसमें आपको सारा कुछ इसमें डिजिटल लगा होता है। इसमें आपको जो भी रीडिंग्स आएंगी वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिस्प्ले पर। आपको सिर्फ इसको सेट करना है, आपको रिक्वायर्ड पोजीशन पे इसको सेट करना है, सेट करने के बाद आप इसका रीडिंग इसमें देखेंगे, कहाँ देखेंगे, तो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें रीडिंग को पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको जो ये दिख रहा है इसमें रीडिंग को पढ़ना पड़ता है, सामने से देखना पड़ता है। तो इसमें कम से कम तीन रीडिंग लेंगे, चार रीडिंग लेंगे, फिर उसका हम लोग एवरेज करते हैं, तो वहाँ से हमें एवरेज करते हैं तो एक्चुअल निकलता है, और यहाँ पर हमें एक बार में एक्चुअल दे देता है। तो ये आपका एडवांस फॉर्म है इस थोड़ा लाइट का, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका फील्ड में मेजरिंग करने का इक्विपमेंट। एक ऐसा आपका सर्वेइंग है जिसमें साथ के साथ हम लोग मेजरिंग करते हैं और प्लॉटिंग भी करते हैं, वो होता है कौन सा, प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल ऐसा सर्वेइंग है, ग्राफिकल सर्वे होता है, जिसमें हम लोग साथ के साथ मेजर करते हैं और साथ के साथ हम लोग प्लॉट भी करते हैं, ठीक है। तो उसके प्लॉट करने के लिए हमारे पास में कुछ एक्सेसरीज होते हैं। एक तो प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल जो कि देखिए पीछे रखा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ ना, एक प्लेन बोर्ड होता है, उसका स्टैंड है, उसका स्टैंड यहाँ पीछे रखा हुआ है प्लेन टेबल के लिए। स्टैंड पर जब उसको लगा लेते हैं तो हमारे पास कुछ ये एक्सेसरीज है जो कि हमारे को यूज आता है इसमें प्लेन टेबल में। सबसे पहले ये है आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं यू फॉर्क, इसका नाम होता है यू फॉर्क, यू शेप का है इसलिए कहते हैं इसको क्या, यू फॉर्क। इसका काम होता है प्लेन टेबल का सेंटरिंग करना। इसमें हम लोग प्लम्ब बॉब लगाते हैं, देखिए इसका नाम होता है प्लम्ब बॉब, ये देखे हैं, देखे होंगे, इसका नाम है प्लम्ब बॉब। क्या नाम है, प्लम्ब बॉब, साहुल नहीं कहेगा कोई इसको, ठीक है, मिस्त्री लोग साहुल बोलता है, तुम लोग इसको क्या कहोगे, प्लम्ब बॉब। तो ये टेक्निकल नाम है इसका, क्या, प्लम्ब बॉब। इसका हम लोग इसमें लगाते हैं और क्या काम होता है इसका, सेंटरिंग करना। सेंटरिंग करेंगे मतलब क्या, जमीन के पॉइंट को टेबल पर लगाना। जैसे ये टेबल है हमारे पास, नीचे हमारा कहीं सेंटर है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ सेंटर कहाँ आएगा, नहीं पता चलेगा, ये एक्यूरेट पोजीशन बताता है। इसका जो ये टिप है ना, ये टिप, ये जो यहाँ पर दिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर से लाई करता है। देखो जब यहाँ सटाएंगे ना, देखो ये सेंटर पे आ रहा है, आ रहा है सेंटर पे, तो इसलिए इसका नाम काम क्या होता है, सेंटरिंग करना। मतलब इसको हम लोग लगाते हैं कहाँ, टेबल में इसे लगाएंगे, और जहाँ भी ये आपका टिप आ रहा है, मतलब पहले हम प्लम्ब बॉब से देख लेंगे कहाँ आपका सेंटरिंग आ रहा है। प्लम्ब बॉब को क्या करेंगे, सेंटर पे इसको टिका के रखेंगे धागा से, और उसको हम लोग ऊपर इस तरह से टिका के रखेंगे, जहाँ पर आपका सेंटर आएगा वहाँ पर इसको पॉइंट कर लेंगे। मतलब ज़मीन का सेंटर पॉइंट हम कहाँ ले आए, ऊपर ले आए, और यहीं से हम लोग मेजरिंग करेंगे सारा डिस्टेंस को, डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, यू फॉर, ठीक है। उसके बाद ये आता है स्प्रिट लेवल, क्या नाम है, टेबल हमारा लेवल में है कि नहीं इसे चेक करेंगे। अभी देखिए इसको, यहाँ फोकस कीजिए, देखिए अभी क्या है, बबल सेंटर में है, सेंटर में ना, मतलब ये हमारा टेबल क्या है, लेवल में है, कोई भी ऊंच खाल पे जो पोजीशन पर नहीं है, टेढ़ा मेरा टेबल पे नहीं है, अभी क्या ये बबल सेंटर में है,
ठीक है। तो ये हम इसको चेक करेंगे टेबल पे कहाँ पर हमारा बबल ये अप या डाउन है, तो नहीं होना चाहिए। ऐसा सेट करेंगे कि सेंटर में रहे। इसका नाम क्या है? स्प्रिट लेवल। उसके बाद इसका नाम होता है ट्रफ कंपास। क्या नाम है? इससे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन मेजर करते हैं और एंगल भी मेजर करेंगे। ये 5 मिनट तक का, 5 डिग्री तक का ये मेजर करेगा प्लस माइनस के लिए। उसके बाद ये आता है आपका एलिडेड। एलिडेड इसका नाम होता है एलिडेड। इसमें भी ऑब्जेक्ट साइट और आई साइट दोनों होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है। यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। इसमें भी हॉर्स हेयर लगा होता है। ये भी हॉर्स हेयर क्या करेगा? सामने पड़े हुए रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये धागा से वो रॉड क्या होना चाहिए? छिपना चाहिए, तभी हमारा ये सामने का आपको बताएगा कि अब ये दोनों आप और रॉड जो है क्या है, आमने सामने हैं। उसके बाद एंगल हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। ये सभी का डिटेल्स आप जब लैब में जाइएगा तब आप सीखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसका नाम क्या है? नाम क्या है? एलिडेड। क्या नाम है? एलिडेड। इसका नाम क्या है? ट्रफ कंपास। क्या नाम है? ट्रफ कंपास। इसका नाम क्या है? स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल। और इसका नाम क्या है? यू फॉर्क। क्या नाम है? यू फॉर्क। ये सारे एक्सेसरीज हैं आपके प्लेन टेबल में, जो कि यूज आते हैं ड्यूरिंग जब आप प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तब। और प्लेन टेबल सर्वे कैसा सर्वे होता है? ग्राफिकल होता है, कि हाल के हाल प्लॉट करते हैं और रीडिंग वहीं पर लेते हैं। इसमें कोई भी ऑफिस वर्क नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्या? कि बारिश के मौसम में इसका यूटिलाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं बारिश के मौसम में इसका यूज? क्यों नहीं कर सकते हैं? कहाँ से कि टेबल पे सीट लगाते हैं ना, बारिश के मौसम में तो सीट भींग जाएगा, सीट खराब हो जाएगा। इसलिए बारिश के मौसम में प्लेन टेबल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, ये छोटा सा इक्विपमेंट है, इसका नाम होता है पेडोमीटर। क्या नाम है? पेडोमीटर। लीनियर डिस्टेंस मेजर करने में ये रह गया था, इसी से काम था। ये पेडोमीटर का काम होता है कि आपका डिस्टेंस मेजर करता है। इसको क्या करने, देखिए यहाँ पर ये जो हुक लगा हुआ है, इसको अपने कमर के पास बेल्ट में लगा लेते हैं। जितना स्टेप चलेंगे वो स्टेप को काउंट करेगा, ठीक है। ये छोटा सा इक्विपमेंट टोटल स्टेप से काउंट करेंगे। और गाँव वगैरह में क्रिकेट खेलने वाला पिच बनाए हैं, कितना कदम नापते थे? 22 कदम नापते हैं। तो कदम अगर नापते हुए भूल जाएंगे, अगर 22 है तो याद रहता है। अगर आपको कहेंगे चलो 500 कदम नापो, तो कभी कभी भूल जाएंगे। 1000 कदम नापेंगे भूल जाएंगे, तो ये भूलने नहीं देगा। ये क्या करेगा? उसको स्टेप को काउंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है आपको लीनियर डिस्टेंस मेजर करने में। तो ये सभी इक्विपमेंट का आपका बेसिक था सर्वेइंग में। और भी छोटे छोटे कई कई इक्विपमेंट्स हैं जिसका आपको नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको सर्वेइंग में है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना ही है, और भी इक्विपमेंट, लेकिन आपके डिप्लोमा लेवल से जो अभी पढ़ना है, इतना इक्विपमेंट अगर जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत है। ये है टोटल स्टेशन। ये सबसे एडवांस फॉर्म होता है और सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। 2 से 2.5 लाख का इसका प्राइस आता है लगभग, और सबसे एडवांस फॉर्म है। इंजीनियरिंग में सारा यूज अब टोटल स्टेशन से ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, तीनों का काम ये खुद कर लेता है। इसमें एक बार आपको सेट करना होता है। सेट करने के बाद आपको डिस्प्ले पर रीडिंग आ जाता है कि आपसे जो स्टेशन है, जो पॉइंट्स है, जो लोकेशन है, कितना दूरी पर है, कितना किस डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है, कितना ऊंचाई या गहराई पर है। तो सर्वेइंग में अगर आपको टोटल स्टेशन आता है, मतलब आपको हर चीज़ आप कर सकते हैं। ये सीखेंगे तभी जब आपको ये सभी बेसिक पता होगा, ठीक है। तो सर्वेइंग क्या है? एक आर्ट है, एक टेक्निक है, कला है डिटरमाइन करने का। क्या डिटरमाइन करने का? रिलेटिव पोजीशन किसका, पॉइंट्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, चाहे वो धरती के ऊपर हो चाहे धरती के नीचे हो। धरती के नीचे भी पॉइंट्स का पता लगाते हैं ना। जैसे धरती के नीचे वो जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त का नाम सुने हैं? सबसे गहरा समुद्र के नीचे सबसे गहरा प्लेस। और धरती पर सबसे ऊंचा प्लेस कौन सा है? माउंटेन, हिमाचल, हिमालय वाला पर्वत, 8848 मीटर ऊंचाई। तो धरती के ऊपर भी हम लोग नापते हैं और धरती के नीचे भी नापते हैं। तो यही सर्वेइंग होता है कि आपको उसका लोकेशन, प्रिसाइज पोजीशन फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, डायरेक्शन मेजर करेंगे और एलिवेशन मेजर करेंगे। तो इससे अगर तीनों अगर मेजर कर सकते हैं, तो वही कला को, वही चीज़ को हम लोग सर्वेइंग करते हैं, और जिसमें आपको ये सभी इक्विपमेंट का यूज होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक नॉलेज हो गया कि किसको किस नाम से जानते हैं, क्या इसका यूज है। अब जब लैब करेंगे तब डिटेल्स में आपको सब बताएंगे। जैसे आपका चेन है, चेन में एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है,
लीडर क्या करेगा, चेन के हैंडल को पकड़ेगा और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉलोअर जो होगा वो उसके दूसरा हैंडल पकड़ेगा और उसको फॉलो करेगा, किसको, लीडर को। तो लीडर के हाथ में एरो होता है, देखो वहाँ पर एरो रखा होगा, निकालो तो। हाँ एरो है, उसको निकालो। हाँ ये एरो है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम 10 एरो होते हैं, इसका क्या नाम है, एरो। तो ऐसा इक्विपमेंट अभी और भी है, ऐसा नहीं करेंगे मैं इतना ही है, अभी और भी धीरे धीरे आप सीखेंगे इसमें, लेकिन बेसिक इतना का आपको जानना होता है। जैसे यहाँ रेंजिंग रॉड है, ऊपर निकालो, रेंजिंग रॉड होगा, देखिए इसका नाम होता है रेंजिंग रॉड, इसका क्या नाम है, रेंजिंग रॉड। ये एक ऑफसेट रॉड आता है, ये है रेंजिंग रॉड, इसमें जो वाइट और रेड का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, येलो और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन आता है इसमें, ताकि ये दूर से विजिबल हो सके, ठीक है। रेंजिंग रॉड में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्लैग नहीं होता है, ठीक है। ऑफसेट रॉड में यहाँ पर आपका फिर ऊपर से फ्लैग आएगा। तो ये चीज़ें रेंजिंग रॉड की लंबाई जो होती है 2 मीटर, 2 मीटर का लंबाई है, और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिप वाइट और रेड का 20 सेंटीमीटर का, ये एक स्ट्रिप यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसमें एक आपका शू होता है जो नुकीला होता है, जो कि ज़मीन में लगाने में काम आता है, ठीक है। तो ये रेंजिंग रॉड आपका हर सर्वे में ज़रूरी है, आप चाहे चेन करें, चाहे कंपास करें, चाहे आप थोडोलाइट करें, डम्पलेबल करें, टोटल स्टेशन, रेंजिंग रॉड सब में कंपलसरी है। जैसे सब्जी कोई भी बनाओ आलू कंपलसरी होता है, उसी तरह से आपका रेंजिंग रॉड कंपलसरी होता है। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अभी और भी हैं। हाँ इसके बाद सभी का अपना अपना स्टैंड अलग अलग होता है, स्टैंड पहचान तभी पाएंगे जब आप उसको लैब किए रहेंगे। टोटल स्टेशन का अलग स्टैंड है, ये कंपास का अलग स्टैंड है, डम्पलेबल का अलग स्टैंड है, एक ही स्टैंड पर सब माउंट नहीं होता है। ट्रोलाइट का अलग स्टैंड होता है, इसका अलग स्टैंड है, सबका स्टैंड अलग अलग भी है। ये एरो है, इसका भी डायमीटर कितना होता है, इस तार का डायमीटर कितना होगा, 4 mm का, ठीक है। ये जो इसका जो डायमीटर देख रहे हैं 50 mm का होता है, टोटल इसका भी लेंथ आता है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको एरो में भी देखने मिलता है। तो लीडर फॉलोअर आते हैं इसमें चेन में, स्टार्टिंग में लीडर के पास में ऐसे ऐसे 10 एरो होते हैं, एक एरो ज़मीन में गाड़ते चला जाता है, फॉलोअर पीछे से आएगा उसके हाथ में उठाते चलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडर के पास में अगर 3 एरो बचे हुए हैं तो कितना चेन डिस्टेंस मेजर कर चुका है, या पूछा जाएगा कि अगर फॉलोअर के हाथ में 2 एरो हैं तो कितना चेन डिस्टेंस मेजर कर चुका है। तो आपको यही, आपको अगर आइडिया रहेगा कि स्टार्टिंग में कितना होता है लीडर के पास, मान लीजिए आपको आइडिया नहीं है तब बता पाएंगे नहीं, आप जानते हैं। आपको अगर आइडिया है कि लीडर के पास स्टार्टिंग में कितना होता है 10, अगर उसके पास 3 बचे हुए, मतलब 7 क्या है, लगा चुका है, 7 वो लगा चुका है, मतलब जहाँ पर वो खड़ा है वो 7 चेन डिस्टेंस पार करने के बाद खड़ा है, ठीक है। और अगर फॉलोअर के हाथ में 3 एरो है, मतलब 3 एरो पार कर चुका है, 3 चेन को पार कर चुका है वो, तो इस तरह से आपको पता लगाना होगा। और लैब करेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो हमको लगता है कि आपका इतना बेसिक अभी के लिए काफ़ी है, और जैसे जैसे लैब होगा आपको और भी आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, टाइम भी बहुत हो गया।